विनीता एंड यू आर वॉचिंग आवर चैनल सिनेस्क्राइब। तो आज हम फिल्म स्पाइडर हेड को डिस्क्राइब करने वाले हैं। ये नेटफ्लिक्स की फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया है जोसेफ कोसिंस्की ने। फिल्म शुरू होती है स्पाइडर हेड क्लिनिकल ट्रायल प्रोग्राम के अंदर रे नाम के एक व्यक्ति से जो कि वॉलंटियर करने आया है और वहां ट्रायल शुरू करने की उससे इजाजत मांगी जाती है और लेफोडिल से फोन में कुछ सेट करते हैं जिससे वो व्यक्ति रे पहले तो सिर्फ जोक्स पर हंसता है बट सीरियस बात करने पर भी वो हंसने लगता है। इस पर बाहर बैठे दो व्यक्ति खुश होते हैं जैसे उन्हें सक्सेस मिल गई हो। तभी सी के किनारे बड़े से ऑफिस में एक व्यक्ति जाता है, तभी एक अलार्म बजता है और उसी बिल्डिंग में लाइट्स खुद टर्न ऑन हो जाती है और जेफ नामक व्यक्ति उठ जाता है, फील्ड ट्रिप पर जाता है। स्पाइडर हेड एक प्रोग्राम है जिसमें पार्टिसिपेट करने के लिए सब कर सकते हैं, बस अब्यूज फिजिकल वर्बल फाइट करना अलाउड नहीं था। जेफ की आंखों पर पट्टी होती है और उसके साथ वही आदमी होते हैं जो रे के साथ होते हैं। उसे लेकर एक जगह लेकर जाते हैं जहाँ पर N40 दवाई का ट्रायल होता है। फिर उसकी आंखों से पट्टी हटा दी जाती है और उसे सब कुछ बेहद खूबसूरत लगने लगता है और उसे नेचर के लिए बोलते रहने को कहा गया। तब उसे वोबेलियस B15 यंत्र पर लगाया जिससे जेफ के शब्द दिमाग में चल रहे थे पर वो मुंह से कुछ नहीं बोल पा रहा था। फिर वो वापस आ जाता है जहाँ एक लड़की गाने सुनते हुए खाना बना रही होती है। उसे पता चलता है कि जेफ फील्ड ट्रिप पर गया है तो उसे भी जाने का मन हुआ बट वो अभी नई थी उस जगह के लिए बट लड़की सब कुछ जानती थी। वो खाना बनाना क्लीनिंग करती थी और वो उस दवाई के कारण उस लड़की से आज कुछ कहना चाहता था बट वो नहीं बोल पा रहा था। वहीं फील्ड ट्रिप में तो कंस्ट्रक्शन चल रहा था लेकिन दवाई के कारण उसे सब कुछ खूबसूरत लग रहा था। इधर जेफ को अपना पास्ट याद आता है जब वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे थे, वो अपनी गर्लफ्रेंड एमा के साथ था। तभी जेफ का दोस्त आता है और जेफ को अपने साथ लेकर चला जाता है। तभी जेफ और उसका दोस्त कार चलाने को कहता है और कुछ दूर जाते ही कार का एक्सीडेंट हो जाता है। अगली सुबह बिल्डिंग में होने वाले रूटीन को दिखाया जाता है जहाँ सब अपने कामों में व्यस्त होते हैं और उस व्यक्ति जो वहाँ सब कुछ ऑर्गेनाइज कर रहा था उसका नाम स्टीव एबनेस्टी होता है। वहाँ अंदर एक चेयर पर जेफ होता है और बाहर स्टीव बैठा होता है। तभी हैदर नाम की लड़की स्टूडियो में एंट्री लेती है और दोनों ही उनके स्पाइडर हेड के वॉलंटियर थे। अब स्टीव उनसे सवाल पूछता है, वो एक दूसरे से पहले कभी नहीं मिले थे। तभी स्टीव उसे हैदर कैसी लगी ये जानना चाहता है और उसे 10 में से नंबर देने को कहता है और जेफ हैदर को सिर्फ 7.5 मार्क्स देता है और हैदर चिढ़ के उसे 10 में से 5 नंबर देती है। अब स्टीव उन पर ड्रग N14 ड्रिप करने की इजाज़त लेता है। इस पर दोनों का जवाब हाँ में होता है। तभी उन्हें लवेक्टिन की डोज दी जाती है। तब दोनों एक दूसरे को सडनली प्यार से देखने लगते हैं और जेफ को हैदर बहुत खूबसूरत लगती है। हैदर शर्माने लगती है और सडनली दोनों एक दूसरे की तारीफ करना शुरू कर देते हैं और ज्यादा डोज होने से दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। बाहर से स्टीव सब नोटिस कर रहा होता है। आखिर में वो दवाई भी काम कर जाती है और जेफ हैदर को आई लव यू कह देता है। ये भी एक बड़ी सक्सेस स्टीव के हाथ लगती है। अब वो दोनों ही ड्रग के असर को खत्म करने का वेट करते हैं कि अब ये एक दूसरे को कैसे ट्रीट करेंगे, इनकी क्या कॉन्वर्जेशन होगी। और उन सब वॉलंटियर के शरीर में अलग अलग ड्रग की मशीन लगी है जिसे एक्टिव करते ही वो ड्रग उन पे असर करने लगता है। वो दोनों वहां से उठ जाते हैं। लिजी खाना पका रही होती है और जेफ थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। लिजी बहुत सी बातें कर रही होती है पर उसकी बातों पर जेफ का ध्यान नहीं होता। लिजी अपनी पुरानी लाइफ के बारे में कुछ बोल रही होती है और दोनों पूरे डॉर्म में नैचोस बांट रहे होते हैं। तभी हैदर और जेफ की नजर एक दूसरे से टकराती है। जेफ उसे नाचोस देकर चला जाता है। इस बार जेफ फिर स्टूडियो में आता है जहां एक एज्ड वुमन सारा आती है। वो शायद पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं और सारा को N40 की डबल डोज देने की बात होती है। इससे सारा पागल हो जाती है क्योंकि उसके अंदर जेफ से ज्यादा स्टेमिना आ जाता है और फिर वो दोनों ही इंटीमेट होते हैं। इससे जेफ काफी टायर्ड हो जाता है। अगला दिन होता है और जेफ और मार्क एक रूम में होते हैं। मार्क स्टीव का असिस्टेंट होता है जो वॉलंटियर की ड्रग की डोज मेंटेन करता है। तभी जेफ उससे सब कुछ भूल जाने की दवा मांगता है। तभी मार्क उसके पीछे लगी खाली शीशों को वापस से फिल्ड वाली वहां फिट करता है। वहीं जेफ गिल्ट में मार्क से खुद को किचन ड्यूटी से हटवा देता है क्योंकि उसे लिजी से दूर रहना था। इस बार स्टूडियो में दोनों हैदर और सारा होती है। तभी जेफ स्टीव के रूम पर एंट्री लेता है। इस बार जेफ स्टूडियो से बाहर होता है। स्टीव जेफ को जिम्मेदारी देता है। वो उसे सब समझाता है कि डार्कन फ्लॉक्स देने से दर्द वाला ड्रग शामिल हो जाएगा उनकी वेन्स में और उन्हें बहुत पीड़ा पहुंचेगी। वहीं उसी स्टूडियो में देव भी है जो खाए जा रहा है और उल्टी कर रहा है। तो जेफ से पूछा जाता है कि वो डार्कन फ्लॉक्स दवाई किसको दी जाए, हैदर या सारा को, जहां जेफ
डिसाइड नहीं कर पाता और स्टीव उससे और खुलकर पूछता है कि उसे दोनों में कौन ज़्यादा पसंद है। तो वो कंफ्यूज हो जाता है। बाकी वो दर्द वाली दवा किसी को नहीं देना चाहता था क्योंकि वो ड्रग बहुत ही भयानक दर्द देता है, तो स्टीव उन्हें वो ड्रग नहीं देता। लेकिन स्टीव को लुवेक्टिन ड्रग के बारे में और रिसर्च चाहिए थी जिससे वो दुनिया के लोगों की ज़िंदगी बदल सके। स्टीव जेफ से प्यार के बारे में जानने की कोशिश करता है। स्टीव जाते जाते जेफ से पूछता है कि अगर उनके प्रोडक्ट में उसे कोई ड्रग चाहिए होता तो एक्सीडेंट से पहले वो क्या चुनाव करता। जेफ वक्त को बदलने वाला प्रोडक्ट लेने की बात कहता है। फिर से जेफ का पास दिखाते हैं। जब एक्सीडेंट के बाद जेफ को होश आता है, वो कार के बाहर होता है। वो उठकर अपने दोस्त के पास जाता है जो ऑलरेडी मर चुका होता है। इस पे स्टीव उसे बीती बातें भूलने को कहता है। सभी वॉलंटियर गेमिंग जोन में होते हैं तभी लिजी जेफ के पास आती है। तभी दो बॉडीगार्ड आकर जेफ को उसका फोन दिखाते हैं जिसका मतलब है आज उसकी छुट्टी थी, वो बाहर घूमने जा सकता था। तब अपनी गर्लफ्रेंड एमा को कॉल करता है जो शायद काफी टाइम से बंद है और जेफ उसमें वॉइस मैसेज भेजता है। वो क्लिफ से लिजी के बारे में एमा को बताता है और उसे आखिरी मैसेज देता है। जेफ सांता बनकर लिजी के पास जाता है। दोनों ही अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं। नेक्स्ट डे स्टूडियो में जेफ के साथ एक टैटू वाला व्यक्ति होता है और जेफ को पहले लगता है कि उसे N40 डोज दी जाएगी, बट स्टीव के मना करने पर वो समझ जाता है कि जैसे उसे सारा और हैदर में से चूज करवाया गया था वो पेन वाली डोज, वैसा ही यहाँ भी कुछ हो रहा है। और तभी जेफ उनके रूम पहुंच जाता है और वहां हैदर बैठी होती है। जेफ को गुस्सा आ जाता है। जेफ कहता है कि यहां कुछ भी हो रहा है। स्टीव और जेफ बहस करने लगते हैं। इस पर स्टीव उसे प्रोटोकॉल कमेटी दिखाता है जो ये सब डिसीजन लेती है। ऐसे में स्टीव जेफ को याद दिलाता है कि आज वो इस जेल में है तो इसका शुक्र मनाए, क्योंकि अगर कहीं और होता तो बस लुका छुपी का ही खेल चलता। और यहां हमें पता चला कि जेफ और स्टीव फ्रेंड्स भी हैं। आगे स्टीव कहता है कि यहां क्या आजादी नहीं है, बाहर जा सकते हो, खाना अच्छा मिलता है, सब इतना अच्छा है। यहाँ किसी को फोर्सफुली नहीं लाया गया, सभी अपनी मर्जी से यहाँ आए हैं। स्टीव को इतना गुस्सा देखकर जेफ सॉरी फील करता है। मार्क और स्टीव बातें करते हैं कि एक वीक के अंदर सब रिसर्च खत्म हो जाएगा, पर मार्क के दिमाग में एक क्वेश्चन था कि जेफ ने भूलने की दवाई का क्यों पूछा। लिजी और जेफ कैफेटेरिया में होते हैं जहाँ जेफ उसे डार्कन फ्लक्स ड्रग की फीलिंग बताता है। इधर अगली सुबह स्टीव वर्कआउट कर रहा होता है और मार्क से खुद के लिए ड्रग इंसर्ट कराता है। दरअसल स्टीव खुद भी इस प्रोडक्ट की रिसर्च का रिस्क अपने ऊपर ले रहा था जिससे मार्क उसे ये सब दवाइयां लेने से मना करता है। बट स्टीव उसे कहता है कि अगर कभी प्रोडक्ट से कुछ नुकसान हुआ तो एटलीस्ट किसी को जवाबदेही होगी, इसीलिए वो ये सब कर रहा था। तभी स्टीव हैदर को डार्कन फ्लक्स ड्रग्स देने की बात करता है लेकिन जेफ इजाजत नहीं देता। इधर स्टीव जेफ को हैदर के पास की कहानी सुनी होती तो तब तुम मना नहीं कर पाते और उसे एक दिन का टाइम देता है। बट इस पर स्टीव लिजी को याद दिलाता है कि उसके साथ क्या हुआ था, इधर जिसकी वजह से वो सजा काट रही है वो राज सिर्फ स्टीव जानता था। लिजी के चेहरे पर हल्का डर और गिल्ट आ जाता है। इधर स्टीव जेफ को अगले दिन टेस्ट के लिए कहता है और ये बोलता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसे निकाल दिया जाएगा और जेल में डाल दिया जाएगा। तब जेफ डार्कन फ्लक्स की इजाजत दे देता है लेकिन ये इजाजत बहुत डेंजर साबित होती है हैदर के लिए। वो दर्द से तड़प रही होती है और वहीं वर्ब्यूलेस में जेफ होता है जो एक एक चीज डिस्क्राइब करता है कि हैदर की हालत ठीक नहीं है, उसे पता ही नहीं था कि कैसा महसूस हो रहा है और वो कोशिश कर रही है बट एक जगह बैठ नहीं पा रही थी। सडन उसकी मोबी पैक टूट जाती है और जो ड्रग उसे दिया गया था वो हैदर को इतना पेन देता है कि मार्क बचाने की कोशिश करता है बट कुछ नहीं कर सकता था। इस पर हैदर खुद को मार देती है और जेफ शॉक्ड हो जाता है। जैसे स्टीव स्टूडियो से भागकर हैदर के पास जाता है उसके डेस्क की वहीं गिर जाती है। इस पर जेफ होश संभालते हुए कीज से डेस्क ओपन करता है और उस पर स्टीव की डायरी पड़ी होती है। उसे खोलता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ ये एक्सपेरिमेंट कोई और कंपनी से नहीं बल्कि स्टीव की ही कंपनी कर रही है और साथ ही उनका N40 से कोई लेना देना नहीं था बल्कि B6 का एक्सपेरिमेंट करना ही उनका मेन मोटिव था। वहां पर एक नाम लिखा होता है, उसमें लिखा होता है बिंगो। मार्क ये सब करने से रोकता है। इस पर स्टीव कहता है कि अब सब लिमिट ऑफ हो चुकी है, कुछ नहीं हो सकता, अगर फंसे तो मार्क भी उसके साथ जाएगा। इस पर मार्क चुप हो जाता है और वो उसे चिल रहने को कहता है। स्टीव को B6 के लिए कोर स्टार चाहिए था। जेफ अपने कमरे में होता है। स्टीव वहां आता है और जस्टिफाई करता है कि ये सब उसकी गलती नहीं है और वो हैदर की मौत को फालतू नहीं जाने देगा। स्टीव दुनिया को बेहतर बनाने की बात करता है। जेफ अपना दर्द कम नहीं कर पा रहा होता तो वो दोनों ही G46 लेफोडिल लेते हैं और खूब हंसते हैं और बातें शेयर करते हैं। अगले दिन लिजी को ट्रायल रूम में भेजा जाता है जहां उसे फोबिएक जैसी ड्रिपिंग दी जाती है जो स्टेपलर से होती है लेकिन उस पर वर्ब्यूलेस काम नहीं करता। लिजी और जेफ साथ में होते हैं। टेस्ट के बाद लिजी काफ़ी सैड थी और गिल्ट फील करती है। जेफ एक्सपीरियंस्ड होता है। लिजी कहती है कि इतने साल उसने जेल में बिताए फिर यहाँ आई, अब उसे लगता है कि ये वाकई सही जगह नहीं है। उसे लगता है कि यहाँ
आरामदायक ज़िंदगी के लिए ये सब कर रहे हैं। अब लिजी एक बड़ा अहम सवाल करती है जेफ से कि जितनी बार इजाज़त मांगी जाती थी तो तुम हाँ क्यों करते थे। इस पर जेफ ने बताया कि वो ये सब कुछ डिज़र्व करता है, वो खुद को कष्ट पहुँचाना चाह रहा था और यही बात जेफ कब से लिजी से कहना चाह रहा था। उस रात पार्टी से सिर्फ जेफ और उसका दोस्त ही नहीं निकले थे बल्कि एमा भी निकली थी जेफ के साथ। और एक्सीडेंट में जेफ जब एमा को पीछे से निकालता है तो एमा फंस जाती है और कार सडनली ब्लास्ट हो जाती है। एमा और उसका दोस्त दोनों ही एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। तभी जेफ एमा को हर बार कॉल करता है, उससे माफ़ी मांगता है, इसलिए उसका नंबर बंद आता है। लिजी उसे गुड मैन कहती है और उसे एक हादसा बताती है और दोनों क्लोज आ जाते हैं। वो एक साथ कॉफ़ी पी रहे होते हैं कि तभी स्टीव आता है। स्टीव के दिमाग में एक न्यू आइडिया आया है लिजी और जेफ से रिलेटेड। वो उनके रूम के सीसीटीवी कैमरे को जूम करता है और उसे पता चलता है कि दोनों प्यार में हैं। अगली सुबह स्टीव कहता है कि डार्क एंड फ्लक्स वाली ड्रिप उसे ऐसे इंसान के साथ यूज़ करनी होगी जिसके साथ जेफ ने N40 इस्तेमाल नहीं किया। तभी सामने से लिजी होती है, वो मना कर देता है। स्टीव कहता है कि ये लास्ट टाइम इस दवाई को यूज़ करेंगे। बस जेफ गुस्सा हो जाता है और मना कर देता है। वो उसे रात तक का टाइम देता है। वहीं अब मार्क जेफ की डोज डबल करने पहुंचता है और वो मार्क को कहता है कि उसे सब पता है कि कंपनी उसकी है। और वो मार्क को कहता है तुम इसमें क्यों हो, तुम अच्छे इंसान हो। वो उसे ऐसे काम करने के लिए रोकता है और B6 के बारे में पूछता है। मार्क को लगता है वो लोगों का भला कर रहा है और मार्क वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जेफ स्टूडियो पहुँचता है और वो लिजी को डार्क एंड फ्लक्स का इस्तेमाल करने को कहता है। जेफ उसे ये दवाई देने मिरर तक जाता है और ऐसा करने से मना कर देता है। स्टीव को गुस्सा आ जाता है और वो लिजी का राज बताने को कहता है और लिजी कह देती है उसने अपनी बच्ची को मार दिया था। लिजी कहती है स्टीव जो कह रहा है करो और जेफ कर देता है ड्रिप ऑन। लेकिन स्टीव की पहले वो उसे लफोडिल देता है, फिर फोबिका सब डोज ऑन कर देता है। और फिर जेफ को पता चलता है कि B6 कोई छोटी मोटी डोज नहीं बल्कि अपना स्लेव बना देती है। और जैसे वो हमारी इजाज़त लेता है तो सभी लोग हाँ में जवाब इसलिए देते थे क्योंकि उन्हें B6 हमेशा ही ड्रिपिंग ऑन की होती है और वो भी बिना बताए। वो उन्हें और खाने को कहता है तो सब खाते थे, वो मना करता है तो नहीं करते थे। स्टीव सॉरी कहता है और तब उसकी वही ड्रिप देकर उससे पता करता है कि B6 का क्या नाम रखने वाला था। तब स्टीव कहता है कि वो उसका नाम OBDX रखने वाला था। उसका मकसद था सिर्फ आज्ञा मनवाना नहीं बल्कि बिना किसी सवाल के आज्ञा मनवाना। वो दवाई जेफ को दी गई थी जिससे ये चेक कर पाए। जेफ अपने इमोशंस को छोड़कर स्टीव का कहना मानता है कि नहीं, B6 वो काम भी करवा सकती है जिसका हमें बहुत पछतावा है। जेफ को बहुत गुस्सा आता है लेकिन स्टीव की इंटेंशन इसके पीछे ये थी कि इससे कोई किसी की जान नहीं लेगा, कोई आदमी अपनी वाइफ की जान नहीं लेगा। लेकिन ये दवाई फेल हो जाती है, इसका दुख स्टीव को होता है और जेफ उसे हैदर की मौत का जिम्मेदारी लेने को कहता है। वहीं स्टीव बताता है कि जेफ 6 मंथ्स पहले ही आज़ाद हो गया था। वहीं लिजी को भी 1 हफ्ते पहले ही आज़ादी मिल गई थी, मतलब इनकी सज़ा पूरी हो गई थी। लेकिन फिर भी इन पर टेस्ट किए जा रहे थे। जेफ उसे मेन गेट ओपन करने को कहता है और जैसे ही जाता है स्टीव अपनी की से नाइफ निकालता है। और जब जेफ उसे ऑर्डर मारने को कहता है तो स्टीव कहता है ये दवाई काम नहीं करेगी। जब किसी अपने को मारना हो और वो जेफ पर हमला करके उसे डार्क एंड फ्लक्स वाली दवाई जो लिजी को दी होती है ऑन कर देता है और उसमें 4 वाइल्स फिट होते हैं जिससे लिजी तड़पने लगती है और वो रिमोट तोड़ देता है। तभी स्टीव और जेफ में खूब लड़ाई होती है। तभी जेफ लिजी को बचाने जाता है लेकिन तब तक लिजी अपनी बेल्ट से खुद को मारने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक जेफ उसे बचा ही लेता है और दोनों भाग जाते हैं। बट तभी स्टीव अनाउंस कर देता है कि जेफ लिजी भाग रहे हैं। तभी स्टीव का मूवी पैक टूट जाता है और सभी ड्रग्स उसकी वेन्स में दौड़ रहे होते हैं और वो फिर भी उठकर माइक पर अनाउंस करता है कि जेफ और लिजी ने सीनियर्स को भड़काया है और अगर सीनियर यहाँ आ गए तो प्रोग्राम बंद हो जाएगा और सब ऐशो आराम छीन लिए जाएंगे। सभी को लिजी और जेफ को पकड़ने के लिए कह दिया जाता है और सभी कैदी निकल पड़ते हैं उन दोनों को पकड़ने। वहीं पीछे के रास्ते से स्टीव निकल ही रहा होता है बट मार्क वहाँ पुलिस को लेकर पहुंच जाता है। उधर लिजी और जेफ लोगों से लड़ते हैं और भाग जाते हैं। तब स्टीव अपने प्राइवेट जेट पर सवार हो जाता है। इधर जेफ और लिजी भी उन लोगों से बच जाते हैं और वो जेट लेकर उड़ रहा है पर दवाई अपना असर बढ़ा रही है जिससे वो झेल नहीं पा रहा है। तभी पीछे से बाकी कैदी दरवाजा तोड़ देते हैं बट लिजी और जेफ मोटरबोट लेकर निकल जाते हैं। वहाँ स्टीव को N40 ड्रग एक्टिव हो जाता है और वो पहाड़ को क्लाउड देखता है और बस सीधा अपना जेट वो पहाड़ पर दे मारता है और वहीं ब्लास्ट हो जाता है और उसके साथ उसके एक्सपेरिमेंट्स भी खत्म हो जाते हैं। वहीं लिजी और जेफ काफ़ी दूर निकल आते हैं और खुश होते हैं। लास्ट में कहते हैं कि इमोशंस की दवा नहीं होती, हमें सब कुछ खुद से ही करना होता है। और फिल्म यहीं पूरी होती है। धन्यवाद।